अभी जितने भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, करण कश्यप जी साथ में है और आज इकट्ठा होने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आज समर्थन रैली का आगाज किया गया था चलपटिया से बेतिया तक। और आपको बता दी, समर्थन यात्रा में करण कश्यप जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आज करण कश्यप जी और बाकी जितने भी भाई लोग हैं बताएंगे कि आज के समर्थन यात्रा कितना सफल रहा है और आगे की प्रक्रिया क्या होगा और मनीष कश्यप कब तक बिहार आएंगे। देखिए, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। और मैंने देखा यहाँ पे चंपारण में बेतिया में कि जागरूकता बिना मनीष कश्यप के फैमिली के बोले हुए इतने अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक सभी अपने से खुद, ना किसी को बुलाना पड़ा, ना किसी को कुछ कहना पड़ा, खुद आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और मनीष कश्यप को समर्थन दिए। इसके लिए आप सभी को और चंपारण जितने वासी हैं, जो जो आए हैं, जो नहीं भी आए, जो किसी काम से नहीं भी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। करण जी, एक और अफवाह भी आज फैलेगी कि इस रैली में जो है लोगों को पेट्रोल के लिए पैसा दिया गया होगा या बाइक के लिए पैसा दिया गया, तो ये भ्रांतियां जो है थोड़ा सा तोड़ दीजिए, क्योंकि आलोचक जरूर आलोचना करेंगे। कोई भी ऐसा हो जो बोल दे कि मैं तो खुद लोगों से, मैं खुद इकट्ठा कर रहा हूँ पैसे और मेरी उतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी को, मैं पेट्रोल के लिए, पानी के लिए, मैं यहाँ तक मैं पानी का भी व्यवस्था ये हम तक वाले न्यूज़ वाले वो किए हैं, तो आप जितने भी आप सबको सामने ही है, सब कुछ ऐसा कोई नहीं, सबको मनीष से प्यार करता है, इसलिए सबको अपने दिल और दिमाग सोच के यहाँ पे आया है। मनीष का सबको चाहने वाले बहुत सारे बिहार के अलावा पूरे भारत के लोग हैं, एक बार थोड़ा बता दीजिए मनीष का सबको देखने की ख्वाहिश कब पूरी होने वाली है। देखिए, बहुत जल्दी में भी हो सकती है, भगवान की अगर दुआ साथ रहे और मनीष कश्यप के सर पे हाथ रहे भगवान का, तो जल्दी हम सबके बीच में आएंगे। तमिलनाडु मदुरई का कोर्ट के द्वारा जो है कितने मामलों में उनको बेल अभी तक मिल चुकी है? अभी दो मामले में बेल हो चुकी है। दो मामलों में, और पटना में? देखिए, ये सब प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी रख रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है इस रैली से मनीष कश्यप को फायदा होने वाला है क्या? फायदा नुकसान की नहीं, एक होती है कि हाँ चलो आशीर्वाद देते हैं, आते हैं, एक बार उनका थोड़ा जोश बढ़ाते हैं। भाई किसी दिन वो आए तो देखिए कि हाँ, जब मैं अंदर था तो मेरे पीछे इतने माइक, इतने पत्रकार समूह मेरे साथ था, तो उनको भी एक ताकत मिलेगी। नहीं तो कौन आजकल किसी पे एक केस हो जाती है, डर जाता है, लेकिन वो एक बंदा है कि और जुनून से आएगा और ताकत से आएगा। और जिस तरह आप लोग साथ दे रहे हैं, चाहे बेतिया हो, चाहे मुतियारी हो, चाहे मेरे गांव में हो, आप सभी बिना किस मैं एक पैसा लिए, चाहे किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ा, आप खुद से आए और जन समर्थन आपने खुद से ही दिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। बिना निस्वार्थ के लोग यहाँ पे रैली में आए थे, उनके लिए आप क्या कहिएगा? उनका तो मैं क्या बोलूँ, मैं धन्यवाद बोल भी नहीं सकता हूँ, कोई और भी वर्ड होती उससे भी अच्छी तो मैं वो चीज़ बोलता हूँ। करण जी, तमिलनाडु में मनीष कश्यप जी हैं, क्या उनको ये बात की खबर है कि बिहार में उनके लिए लोग लड़ रहे हैं? बिल्कुल। और अगर खबर है तो वो क्या कहते हैं? बिल्कुल, वो दो अखबार लेते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का और पता नहीं और दो अखबार लेते हैं। कभी कभी बिहार की न्यूज़ की भी वहाँ पे खबर चलती है, जैसे परसों चली थी वहाँ पे, तो वो भी देखते रहते हैं। नहीं तो हम लोग हर हफ्ते में जाते ही हैं मिलने। वो लोग बताते क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ताकत मिलती है, लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं नहीं हूँ तो कोई और है, तो इसलिए तो नहीं तो अभी तक हम लोग टूट गए रहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जैसे हम लोग डर लगता था कि हाँ अब क्या होगा, मिलने से डर लगना, मिलना तो बातें कम आंसू ज़्यादा, लेकिन अब वो भी थोड़ा सा लोग जाता है, बातें करता है, बताता है कि आपके पीछे आप सिर्फ एक नहीं हो, आपकी सिर्फ फैमिली नहीं है, बिहार की लगभग 80% फैमिली आपके साथ है। सुबह में मौसम को देखते हुए क्या लगा था कि जितना उम्मीद था उतने लोग आएंगे, या अब क्या लग रहा है कि कितना लोग आ गए? नहीं, मैं जैसे अबारी जी ने बताया था कि हाँ जैसे 100 आदमी का परमिशन मिला है, तो मैंने इनसे भी बोला था कि हाँ 100 आदमी से ज़्यादा ना हो, क्योंकि कानून का दुरुपयोग हम क्यों करें, कानून खुद कर रही है यहाँ पे। जहाँ जहाँ हमारे तीन बार कोर्ट बोल रही है कि हाँ मनीष को लाओ, लेकिन कभी प्रशासन बोलती है कि हमारे पास प्रशासन नहीं है, कभी बोलती है उसका फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, कभी उसका बोलते हैं कि उसका व्यूवर ज़्यादा है, कभी कुछ। हमारे अगर आपके पास एक नोटिस आ जाए, अगर जवाब नहीं देते हो तो क्या होता है, अगले रोज क्या होगा? उठा लिया जाएगा, खुद की जब्ती होगी। जब प्रशासन को कोर्ट एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नोटिस दे चुकी है, उसके लिए क्या कानून दूसरी होती है क्या? यानी आप सभी सोच लो, आपके लिए कानून अलग है और दूसरे लोग के लिए कानून अलग है। अगर कोई बोलता है कि हाँ कानून सब समान होती है, तो नहीं भैया, कानून समान नहीं होती है। एक और भ्रांतियाँ दूर कीजिए कि 2025 में लोकसभा चुनाव में मनीष कश्यप की भी बारी आने वाली है क्या? अभी तो पहले निकाल तो लूँ,
अभी वो तो बाद की बात है, उसकी डिसीजन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन वो जैसे बात करता है वो पत्रकारिता ही करेगा। आगे का रणनीति क्या होगा? आगे का रणनीति बस कोर्ट पे डिपेंड है। लोग हम लोग अब प्रशासन के विरुद्ध में हम लोग हाई कोर्ट में भी पटिशन डाले हैं। कोर्ट में मनीष जी को पेश ही नहीं किया जा रहा, इसके बारे में क्या? इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट में डाले हैं लोग पटिशन, जहां बार बार कोर्ट की अवहेलना कर रही है पुलिस। कब तक करेगी? एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, तो इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट में पटिशन डाले। मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु में रासुका लगा है, NSA लगा है, उस पर कार्रवाई क्या हो रही है, क्योंकि वो हटना ज़्यादा जरूरी है। वो भी देखिए कोर्ट में सुनवाई है इस महीने या नेक्स्ट मंथ के पहले हफ्ते में आपको हमारा डेट मिल जाएगा। हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, तो दो हफ्ते से चार हफ्ते के बीच में डेट मिलती है, वो मिलेगा और उस पर सुनवाई होगा। हर तीन महीने में रिमाइंड होती रहती है, हर तीन महीने में एक बार ही आपको सुनवाई होती है। मदुरई में एक महानुभाव से आप मिले जिनका समर्थन प्राप्त हुआ, थोड़ा सा बताइए उनका नाम क्या है और कितना समर्थन उनका रहेगा? पूर्व IPS थे और अभी रिटायर्ड देखे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, और उनका फैन फॉलोइंग लगभग हमको लगता है जिस तरह तमिलनाडु सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग उनके पास है। उनका कहीं भी जाए तो लाखों करोड़ों की भीड़ आती है, और एक अच्छे आदमी है और अच्छे पुलिस पर्सन में होंगे तो एक अच्छे पुलिस वाले भी होंगे। उनसे मिला, बहुत अच्छे से बात की है। पहली बार कोई नेता उतना टाइम दे और एक भाई भाई बोलकर वर्ड यूज करे, मगर क्या होता है कि दिल में एक सुकून मिलती है, दिल में एक होती है कि हाँ चलो ठीक है, इतने बड़े आदमी मुझे भाई बोल रहे हैं, चाहे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो खुशी होती है। और भाई पे भी हमको कुछ ना कुछ मैं सोचता रहता हूँ कि हाँ भाई ने ऐसा क्या किया कि इतने लोग, इतने आदमी, अच्छे अच्छे लोग साथ में आ रहे हैं, तो मैं मुझे भी गर्व होती है कि हाँ मेरे भाई मनीष कश्यप हैं। जो लोग दूर दूर से आए हैं मनीष जी के रैली में, उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए कोई वर्ड ही नहीं है, मैं धन्यवाद भी एक छोटा सा वर्ड हो जाएगा उनके लिए, बहुत 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 अनइनफिनिटिव धन्यवाद। पूर्वी चंपारण से जो यात्रा निकला था, आशीर्वाद यात्रा, पश्चिमी चंपारण तक आ गया, आगे कहाँ जाने वाला, किस जिले में जाने वाला? अनिकेत जी शायद गोपालगंज में करने वाले हैं, फिर उसके बाद और भी जगह, और भी लोग आएंगे, और लोग भी करेंगे, तो और लोगों के साथ आएंगे। आप भी, आपके भी कोई रिलेटिव हो तो कोई बोलता है कि हाँ मैं मनीष कश्यप को समर्थन में रैली करना चाहता हूँ, हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे और लोगों की कहानी मनीष की कहानी बताएंगे, लोगों की अच्छाई बुराई दोनों चीज़ बोलेंगे, हम लोग एक्सेप्ट भी करेंगे और बताएंगे भी। मनीष कश्यप की समस्याओं को दिखाने के लिए बेतिया के अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े होल्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन अगले सुबह वो फटा हुआ मिला, क्या कहना चाहिए? देखिए कई समर्थन होते हैं, कई विरोध भी होती है। देखिए अब लगा हुआ सात पोस्ट लगा हुआ, एक फट गया तो क्या हो गया? 90% तो लोग समर्थन में है ना, बिल्कुल 10% रहना भी चाहिए। अगर आपको 100% समर्थन कोई कर दे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो आपको भी चाहिए 5% 10% चाहिए कि हाँ जी कुछ आपका निगेटिव निकाले, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं एक गलत काम कर रहा हूँ और अच्छा कर सकूँ। आज भी मनीष कश्यप को चाहने वाले पूरे बिहार में लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और हर जगह पोस्टर लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को दिलों में चाहते हैं ये लोग, उसके बारे में क्या कहिए? वो पिछले जन्म के भाई होंगे जो इतना समर्थन कर रहे हैं, या वो मनीष कश्यप की विचारधारा, चाहे मनीष कश्यप का जिस तरह त्याग, अपने परिवार को छोड़ के पूरे बिहार को एक परिवार मानना, इसलिए वो समर्थन में आ रहे हैं। करण भैया एक गुजरात से आए हुए, उनके बारे में क्या बोलेंगे? यूपी से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, आगे आने दीजिए उनको। हम लोग इधर आइए, आगे देश के शीर्ष पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी से भी हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, जो देश के कोने कोने से मनीष कश्यप के लिए समर्थन, रैली हो, यात्रा हो, आवाज हो, समर्थन के लिए जो निकल रहा है, उठ रहा है, उस पर खुद से संज्ञान ले, बिल्कुल, ताकि जो डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लिया जा रहा है मनीष कश्यप के केस में, ये ऐसा नहीं हो और उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। अगर इंसाफ नहीं मिलती है तो ऐसे ही हम लोग लगातार रैली हो, सभा हो, उनके समर्थन में कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जब तक वे बाहर नहीं आते हैं तो उनके समर्थन में हम लोग रैली हो या सभा हो कुछ ना कुछ। अभी यूपी से एक सिंगर जी आए हुए हैं और ये भी अपना बात जो है रखेंगे, मनीष कश्यप के बहुत बड़े समर्थक हैं जी। मैं मनीष भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ, मनीष कश्यप जी का। मैं भी चाहता हूँ कि यूपी में भी एक ऐसा पत्रकार आए जो हमारे भ्रष्टाचार को उजागर करे, हम लोग चाहते हैं। और मनीष भैया मतलब कौन नहीं चाहता उनके जैसा है, तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैंने उनके लिए एक सॉन्ग भी लिखा है, जिसको मैंने लिखा है
कि मनीष कश्यप जीतोगे तुम होगी जीत तुम्हारी, क्योंकि तेरे साथ खड़े हैं दिल से सभी बिहारी। 100 कुत्तों की झुंडों पर पड़ता है शेर अकेला भारी, तुम लड़ो समर्थन खुला है तुम जीतोगे त्रिपुरारी। तुमको जो उसने जेल किया उसमें ना कोई साहस है, कृष्ण को कैद करने का दुर्योधन का दुस्साहस है। फैसला तो कोर्ट का है लेकिन साजिश इसमें दुर्योधन की है। तो तुमको जो उसने जेल किया उसमें ना कोई साहस है, कृष्ण को कैद करने का दुर्योधन का दुस्साहस है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि मनीष भैया बहुत जल्दी छूटें, ठीक है। और आपने एक रैप सॉन्ग गाया है जी, वो रैप है, रैप सॉन्ग था जो स्टार्टिंग से मेरा था कि आज मैं सुनाता हूँ बिहार की कहानी, जिसको सुन के आ जाएगा आँखों में पानी। एक समय था जब थी चरम पर चाटुकारिता, लोग तरस गए थे देखने को सच्ची पत्रकारिता। जितने भी थे खास लोग बन गए सवाम थे, और मीडिया तो थी पर ज़्यादातर गुलाम थे। चारों तरफ लूट शोषण मचा हाहाकार था, दबंगों के हाथ में पूरा ये बिहार था। ऐसे में वो इंजीनियर बन के चैन से सोए रोए सभी बिहारी, ऐसा कैसे कर सकता वो उदित पुत्र त्रिपुरारी। तो नौकरी ही सब कुछ है इस स्लोगन को तोड़ के वो आ गया समाज सेवा करने इंजीनियरिंग को छोड़ के। 2018 में सभी को निहारता आ गया वो, प्रश्नों से राम बाण मारता, किसी से वो डरे नहीं किसी से वो झुके नहीं, प्रश्न सबसे पूछता वो सिंह सा दहाड़ता। उसके प्रश्न पूछने का ढंग दुनिया को भा गया, छोटे से गांव का विश्व में उछा गया। सभी भ्रष्टाचारी कर्मचारी बेचैन हैं और दहशत में सब रहे, वो आ गया, वो आ गया। अंत में करण जी दर्शकों को और समर्थकों को क्या संदेश देना? एक लाइन मेरी और बची है सुन लीजिए। उसमें उसने जनता हुई खुशहाल और चमचे सभी मौन हैं, दुर्योधन ने पूछा ऐसा करने वाला कौन है। जो मनीष भैया का डिफिनेशन एक तरीके से डिफाइन करता है, आप सुनिए किस तरीके से उनके विरोधी भी बता रहे हैं अपने मंत्री से कि प्रश्नों से करता वो बड़ा तीखावार है, और चारों खाने चित्त आज पूरी सरकार है, और बिहार को बदलने का उसे जुनून सवार है। कोई त्रिपुरारी कहे कोई सनाब बिहार है, और हम सब जिससे परेशान वो मनीष पत्रकार है, मनीष पत्रकार है। तो दुर्योधन ने जाल बिछाकर उसको ऐसे फंसाया, जिसको देख के सारा जमाना आज बहुत गुस्साया। और हमने भी तो सुने हुए हैं बहुत कहानी और बड़े किस्से, पर जाने कैसे लगा दिया उसके ऊपर यनियत से। लेकिन मनीष कश्यप जीतोगे तुम होगी जीत तुम्हारी, क्योंकि तेरे साथ खड़े हैं दिल से सभी बिहारी। और 100 कुत्तों की झुंडों पर पड़ता है सिंह अकेला भारी, तुम लड़ो समर्थन खुला है तुम जीतोगे त्रिपुरारी। तुमको जो उसने जेल किया उसमें ना कोई साहस है, कृष्ण को कैद करने का दुर्योधन का दुस्साहस है। उसने अपने किए हुए सब कर्मों का था फल भोगा, किसने? दुर्योधन ने। और जो हाल हुआ उस दुर्योधन का हाल वही इसका होगा, और ये दुस्साहस इस दुर्योधन को पड़ जाएगा भारी। पूरा भारत करे समर्थन गाए राहुल तिवारी, तुम लड़ो समर्थन खुला है तुम जीतोगे त्रिपुरारी। तुम लड़ो समर्थन खुला है तुम जीतोगे त्रिपुरारी। करण कश्यप जी क्या संदेश देना चाहेंगे समर्थकों को और पूरे दर्शकों को? देखिए समर्थन मैं तो समझता हूँ आप तो एक पत्रकार हैं, एक पत्रकार के नाते आप जानते हो, चाहे आप हो चाहे कोई हो, चाहे मैं भी इस समय मैं जानता हूँ तो एक पत्रकार है। तो एक पत्रकार आप अपने भाई के समर्थन में आए हो, आप किसी और से ये सवाल पूछो क्योंकि वो आपका भाई है, जिस तरह मेरा भाई है वो आपका भाई है। लेकिन फिर भी ऐसे भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। सर जाते जाते बताइए कि लोग जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप कब तक आ जाएंगे, चिंता में पड़े हुए हैं हम लोग के बीच। देखिए अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, सबसे बोलिए दुआ करने के लिए, भगवान के सोए हुए हैं कहीं हाथ रख दे सर पे उसके, जल्दी से आ जाएंगे। आज की रैली जो है वो संपन्न हुई और दर्शकों को क्या संदेश? बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई और हमारी टीम बहुत ज़्यादा खुश है। सबसे पहले अपने टीम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मंटू तिवारी भैया हैं हमारे गार्जियन स्वरूप, गुंजन भैया हैं, और हमारे मित्र हैं संदीप चंद्रवंशी जी, अमित राय जी हैं, और एक लोजपा आए हुए हैं, क्या नाम उनका, सिंह जिला, तमाम मित्र हैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और फिर अगला जो हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं बहुत जल्द आपको बताई जाएगी। भारत माता की जय। कोई हड़बड़ाएगा नहीं, कोई